नागिन तीन के आज के आने वाले एपिसोड में क्या होगा जब विशाखा हुकुम के शैतानी बच्चे को जन्म देगी, और सबसे बड़ा सवाल यानी हुकुम को पता चलेगा कि उसका असली बच्चा नहीं है, यानी वो असली पेला का बच्चा नहीं है बल्कि विशाखा का बच्चा है, तब हुकुम क्या बिचारी विशाखा को जान से मार देगा, और आने वाले एपिसोड में बिचारी पेला कैसे बचाएगी विशाखा को, और हुकुम का शैतानी बच्चा हुकुम के हाथों ना आए उसके लिए बिचारी पेला कौन सी नई खतरनाक चाल चलेगी, और यहाँ आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दे। नागिन तीन के आज के आने वाले खतरनाक एपिसोड में बेचारे विक्रांत को सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब हुकुम विक्रांत को कहेगा कि पेला आज अपने बच्चे को जन्म देगी, और उस शैतानी बच्चे को आज इस दुनिया में लाने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये होगी कि यह बात विशाखा सुन लेगी, और हुकुम के कहे अनुसार विक्रांत विशाखा के पास जाएगा और विशाखा को कहेगा कि यह हमारा बच्चा नहीं है बल्कि हुकुम का बच्चा है, और इसे तुम जन्म देके ही जान से मार दो। और लेकिन माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चे को क्यों मारेगी, और इसी बच्चे को मारने की बात पे विशाखा विक्रांत पे काफी गुस्सा हो जाएगी, और इसी बड़े गुस्से में विशाखा विक्रांत को कहेगी कि भले ही यह बच्चा हुकुम का हो लेकिन यह बच्चा मेरा है, और मेरा बच्चा कभी बुरा नहीं होगा बल्कि मेरा बच्चा अच्छा होगा। और यह बात विशाखा के मुँह से सुन के बेला एंड विक्रांत काफी बेहद ही चौंक जाएंगे, और हुकुम को यह बात पता ना चले कि हुकुम का बच्चा पेला का नहीं है बल्कि विशाखा का है, और इसी वजह से पेला अपनी नई खतरनाक चाल से विशाखा हुकुम के बच्चे को जन्म देगी, तब पेला हुकुम के बच्चे को लेकर चली जाएगी, और हुकुम को भी पता चलेगा कि पेला उसके बच्चे को यानी अंधकासुर को लेकर भाग गई है, और इसी वजह से हुकुम पेला का पीछा करेगा, और बेला का पीछा करते करते हुकुम बेला को कहेगा कि तुम जहाँ भागना चाहती हो भाग लो, लेकिन ये बच्चा मेरा है और मैं इस बच्चे को पाकर ही रहूंगा। और बेला अपनी नई शातिर चाल से पहाड़ी के पास नदी किनारे दौड़ती दौड़ती जाएगी, और वहीं बेला हुकुम को धमकी देगी कि इस बच्चे को मैं अभी डुबाकर मार दूंगी, और इसी वजह से हुकुम काफी गुस्से में आ जाएगा और बेला को मारने की धमकी देगा और कहेगा कि मेरा बच्चा मरा तो तुम भी नहीं बचोगी बेला। और आप यह आज के आने वाला एपिसोड को देखने के लिए कितने हो, और क्या पेला हुकुम के शैतानी बच्चे को मारने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।